आज का हम लोग का टॉपिक है राइट टू सबरोगेशन। यदि आप लोग को ये पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और फेसबुक में और व्हाट्सएप पर जहाँ भी शेयर करें और कमेंट भी कर सकते हैं। ये बैंक प्रमोशंस में और जेआईबी के एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसे देखें और समझें और लाइक करें। राइट टू सबरोगेशन क्या बोलता है कि बोलता है कोई भी ग्रांटर किसी लोन को, जो लोनी है जो लोन नहीं चुका पा रहा था, ग्रांटर वहाँ पर एक्ट होगा, तो ग्रांटर उस लोन को चुकाएगा क्योंकि वो लोन ग्रांटर को देना पड़ेगा। कि ग्रांटर का लाइबिलिटी क्या होता है कि उस लोन को चुकाएं, तो वहाँ पर सोब्रोगेशंस टर्म यूज होता है। और वो क्या करेगा कि जब लोन वो चुका देगा इन ऑन द बिहाफ ऑफ लोनी या ब्रोवर, तो क्या करेगा वो कि उसको राइट हो जाएगा, किसको, ग्रांटर को राइट हो जाएगा कि वो लोन उसका वापस किससे रिकवर करें, ब्रोवर से रिकवर करें जिसके थ्रू, जिसके बिहाफ पे वो बैंक को चुकाया है। इसी तरह राइट टू सबरोगेशन बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी में भी आता है। जब इंश्योरेंस कंपनी का कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी कोई एक्सीडेंट कर गया और उस एक्सीडेंट कर गया तो उसका पैसा उसको किसको देना पड़ेगा, जो किसी की गाड़ी ख़राब हो गया तो उसको पैसा देना पड़ता है। तो जो ड्राइवर एक्सीडेंट किया है, मारा है जिसको टक्कर, गाड़ी को ख़राब किया है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी पे कर रहा है वो किससे रिकवर करेगा, वो रिकवर करेगा उस ड्राइवर से, क्या कि उसको उसको गलती उसके गलती के चलते उसको पे करना पड़ रहा है। तो ये लॉ है हम लोग का और ये आपको जानना है, क्या कि राइट टू सबरोगेशन हम लोग बैंक में का एग्जाम में भी पूछा जाए तो उसी केस में होता है। जो कोई लोन लोनी डिफॉल्टर हो जाता है और ग्रांटर वहाँ उसका पैसा पे कर देता है और उसका वापस वो चुकाता है। कौन चुकाएगा उसका पैसा, पैसा चुकाएगा ग्रांटर। तो उस राइट किसको होगा, ग्रांटर को राइट होगा कि ब्रोवर से वापस पैसा अपना रिकवर करे। तो उसको एक लॉ में उसको मिलता है राइट टू सबरोगेशन लॉ, यही है। यदि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।